नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, हमारे जो एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है 2013 और कुछ ऑप्शन जो एक्स्ट्रा में ऐड हुए हैं 2016 के अंतर्गत, उन सभी को हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। और अभी तक हमारे जो लेक्चर है उसमें कंप्लीट क्या क्या कर चुके हैं हम, यहाँ से देखिए आप, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉस रेफरेंस या कमेंट तक हमारा जो है कंप्लीट, 22 लेक्चर अभी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एमएस वर्ड 2013 और 16 के अंतर्गत, और यहाँ आपको आई बटन मिलेगी, यहाँ से आप प्लेलिस्ट की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको रेगुलर उसमें लिंक प्राप्त होते रहती है, तो आप उससे भी जाकर देख सकते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो हेडर एंड फुटर ग्रुप है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं तीन कमांड हमारी दी है। एक तो पहला दिया हेडर दिया, दूसरा फुटर दिया, तीसरा पेज नंबर दिया। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम 100 पेज का या फिर बहुत सारे जो पेज है उसकी एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं बुक के फॉर्मेट में, तो आपने देखा होगा बुक के टॉप पर कोई पब्लिकेशन का नाम, कोई ऑथर का नाम या अन्य कोई चीज, कंपनी का नाम लिखा रहता है जो कि प्रत्येक पेज में आता है। अब आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हर एक पेज में उसको एंटर करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। जब हम हेडर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो हर एक पेज में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा एक पेज में देकर। तो ऐसा किससे होता है, हेडर से। कुछ चीजें होती है बॉटम पर लिखी होती हैं, जैसे रेफरेंस वगैरह हो गया किसी चीज का, या फिर पब्लिकेशन का नाम, या बहुत सारी चीज होती है जो फुटर पर भी होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है ऑटोमेटिक आती है एक पेज में अप्लाई करने के बाद, तो इसे बोलते हैं हम हेडर और फुटर। और कभी कभी होता है कि हर एक पेज में हमको बुक के जो होता है पेज में नंबर देना पड़ता है, या डॉक्यूमेंट के पेज में नंबर देना पड़ता है, प्रत्येक पेज में ऊपर दे सकते हैं या नीचे दे सकते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए भी हम पेज नंबर का प्रयोग यहां से कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको मिलेगी हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंतर्गत, जो कि कहां अवेलेबल है, इंसर्ट टैब के अंतर्गत आप देख सकते हैं हेडर एंड फुटर। तो चलिए देखते हैं हेडर। तो हेडर को आप यहां उससे कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे हेडर को अगर मान लिया आप हेडिंग, तो हेडिंग को हेडर से कंपेयर कराएंगे तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हेडर अलग हो सकता है और हेडिंग अलग होती है। तो हेडिंग अलग है और हेडर अलग, ये चीज आप याद रखिए। और फुटर और फुटनोट, तो फुटनोट अलग होता है और फुटर अलग होता है। फुटनोट आपने देखा होगा, फुटनोट पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में देखा है, उसकी डिस्क्रिप्शन को नीचे दर्शाने के लिए होता है। परंतु फुटनोट जो फुटर होता है, फुटर हर एक पेज में सेम लाने के लिए होता है। उसके बाद आप सिंपल सी बात है, हेडर टॉप में रहता है प्रत्येक पेज के, और फुटर जो रहता है बॉटम पर रहता है प्रत्येक पेज के। उसके बाद ये क्या क्या चीजें कंटेन करके रख सकता है, ये पेज नंबर को कंटेन करके रख सकता है, नाम हो सकता है किसी का, अपना नाम भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट का नेम हो सकता है, डेट और जो अदर इंफॉर्मेशन होती है सारी चीजों को वो कंटेन करके रखता है, कौन, हेडर। आप फुटर में भी ये सारी चीजें दे सकते हैं। उसके अलावा आप यूज कैसे करेंगे, तो यूज करने के लिए हम यहाँ पे, हमारे सामने स्टेप दी है, जैसे इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहां से हम हेडर ग्रुप के अंतर्गत जाकर हेडर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे डाउन एरो पे, तो आपको देखिए प्री डिफाइन स्टाइल यहाँ पे दिख रही है। तो चाहे तो आप प्री डिफाइन स्टाइल यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके सामने ब्लैंक लिखा है, तो ब्लैंक लिखा तो आप ब्लैंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ हेडर जो है टैब खुल गई है, मतलब हेडर के अंतर्गत ये सेक्शन खुल गया है। अब एक बात गौर कीजिए, जब हम हेडर सेक्शन पे हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट का अदर पार्ट है वो हाईलाइट नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, एक फेडिंग पे आ गया, मतलब एक धुंधलापन आ गया इसमें। तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, एक समय में हम एक बार एक जगह वर्क कर सकते हैं, या तो आप हेडर पर वर्क कर लीजिए या फिर डॉक्यूमेंट पे। तो सिंपल सी बात है, जब हम डॉक्यूमेंट पे वर्क करेंगे तो हेडर सेक्शन आपका हाईलाइट नहीं रहेगा। तो अब यहां टाइटल की जगह हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ये हमने टाइप कर दिए, अब टैब मारेंगे तो ये सेंटर पे आ गया है। यहां बहुत सारी चीजें और दे सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं जब हम हेडर सेक्शन में हैं तो हमारे सामने एक टैब अलग खुल गई है, जिसे हम डिजाइन टैब बोलते हैं, और डिजाइन टैब प्रत्येक चीज की खुलती है, तो ये चीजें ध्यान में रखा करिए। तो हेडर और फुटर तो बाद में देखेंगे, पेज नंबर भी हम देख रहे हैं, हम यहाँ डेट और टाइम भी ऐड कर सकते हैं। डेट और टाइम का आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं, और उसके बाद क्या करना है आपको, ओके बटन पर क्लिक करना है, ये आपकी डेट और टाइम आ गई है। फिर आप टैब दबाएंगे तो राइट साइड में और कुछ आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर लाना तो वो भी ला सकते हैं, कुछ पार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ऑटो टैक्स वगैरह, ये सारी चीजें आप इसमें ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, ऑथर, कैटेगरी, ये सारी चीजें इसमें ला सकते हैं। फील्ड के अंतर्गत आपने देखें कि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ दिख रही है, जैसे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, या फिर यहाँ से भी आपको डेट और टाइम मिल जाती है, जैसे आप यहाँ डेट
सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगी, डेट। तो ये डेट हमने ऑलरेडी करके देख चुके हैं। तो फील्ड होती है, अलग अलग फील्ड से आप यहाँ डेटा ऐड कर सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑथर का नाम हो सकता है, ऑथर का नाम जो कंप्यूटर का नाम होगा वो आएगा। फाइल नेम ला सकते हैं आप, पाथ मतलब फाइल का पाथ बोले तो फाइल कहाँ सेव है वो ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल ला सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। इसमें आप ये समझ गए हम कि डेट और टाइम ये सारी चीजें हम इसमें ला सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हेडर की, अब जाते हैं हम कहाँ, फुटर में। तो फुटर में कैसे जाएंगे, आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ फुटर वाला, तो इससे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, गो टू फुटर। अब आप यहाँ फुटर में क्या कर सकते हैं, फुटर में और अदर चीजें आप ला सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लिख दिए, ये लिख दिए। अब ऐसा नहीं है कि आप इतना बस कर सकते हैं, आप सारी चीजें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जितना कि हमने पीछे देखते हुआ है। अब यह तो हो गया फुटर की बात, फिर से हम हेडर में जा सकते हैं। तो गो टू हेडर, गो टू फुटर, तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम फर्स्ट पेज पे अलग हेडर चाहते हैं और जो बाकी पेज है वो उनका अलग हेडर चाहते हैं। तो यहाँ आपको डिफरेंट फर्स्ट पेज लिखा है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आप देखिए यहाँ पे आपको खाली मिला है, मतलब बाकी जो पेज है उसमें तो वही हेडर आएगा पर फर्स्ट पेज में अलग आएगा। तो हम यहाँ दे सकते हैं क्या, ये दे दी हमने हाउ टू यूज हेडर एंड फुटर, इसको हमने बोल्ड इटैलिक जो भी करना हमको वो कर सकते हैं हम यहाँ से। उसके बाद फुटर में भी हम दे सकते हैं, फुटर में जाने के लिए आपको पता है गो टू फुटर, और गो टू फुटर में हमने दे दिए यहाँ पेज नंबर दे देते हम, ये हमने दे दिए पेज नंबर यहाँ लिखकर। और इसको भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ सेलेक्ट, जैसे ही करेंगे हमारे सामने बोल्ड इटैलिक का बॉक्स आ जाता है, इसको हमने। अब बाकी पेज में आप देखेंगे तो हमारा जो जो बाकी का हेडर है वो चलेगा, परंतु पहले पेज में वो चेंजेस नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, हेडर और फुटर को जो हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब पहले पेज में अलग चाहते हैं और अदर पेज में अलग, तो यहां से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिफरेंट ऑड एर इवन पेज, ऑड और इवन पेज मतलब क्या होता है, ऑड मतलब विषम पेज बोले तो 1 3 5 7 यानी कि 1 3 5 जो भी होते हैं एक एक के गैप में, और उसके बाद अगर इवन पेज बोले तो सम संख्या जिसे हम बोलते हैं 2 4 6 8 10 जो भी होती है 2 4 6, तो ये वाली जो होती है इवन पेज। तो सिंपल सी बात ये हो गया विषम पेज, तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो विषम पेज में ये सारी चीज आएगी, और जब हम सम पेज पे क्लिक करेंगे तो सम पेज पे वो अलग आएगी। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ देखिए आपको ये दे रहा है सेकंड पेज पे कुछ टाइप करने दे रहा है, तो हम यहाँ लिख देते ओनली, ये लिख दिया हमने, और उसके बाद हम फुटर में लिख देते ये लिख दिया हमने कोई भी टेक्स्ट। तो सिंपल सी बात है जब आप बाहर क्लिक करोगे तो बाहर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ हम देखते हैं हमने सम पेज में टाइप किए थे मतलब सेकंड पेज में हमने टाइप किए थे क्या, चलिए यहाँ सेकंड पेज में देख लेते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड पेज। सेकंड पेज में हमने क्या टाइप किए हैं, सरकार स्टडी बेस, और यहाँ थर्ड मतलब जो हमारा थर्ड पेज आ रहा है थर्ड पेज में अलग आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इवन पेज में अलग आ सकता है और ऑड पेज में अलग आ सकता है। अब आप यहाँ काम कर रहे हैं तो ये हाईलाइट नहीं दिख रहा, मैंने पहले ही बता दिया है कि हाईलाइट एक चीज होगी एक समय में, तो आप किसी भी चीज में एक समय में एक ही जगह वर्क कर सकते हैं। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं फिर से आप जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए इनको हम सेलेक्ट हटा देते हैं, नॉर्मल सभी में सेम रहने देते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हेडर का जो ऑप्शन है मतलब जैसे हम ब्लैंक लिए थे तो आप यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं, ये देखिए स्टाइल आपकी बदल गई है, तो जो हमारा मैटर है वो तो गायब हो गया ही है, आप स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हेडर में बहुत सारी यहाँ से एडिट हेडर भी कर सकते हैं और रिमूव हेडर भी कर सकते हैं, रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद और बहुत सारी चीज होती है जैसे कि एडिट हेडर हम करेंगे तो एडिट हेडर में तो ऑलरेडी हमारे सामने एडिट मोड में है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फुटर में भी हम बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, बने बनाए स्टाइल दी है यहाँ से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, एडिट फुटर कर सकते हैं और रिमूव फुटर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, हेडर और फुटर की। कभी कभी हम चाहते हैं कि पेज नंबर भी आए, कहाँ पर, डॉक्यूमेंट के टॉप पर आए या डॉक्यूमेंट के बॉटम पर आए, तो इंसर्ट में जाएंगे और हमारा बचा क्या, पेज नंबर वाला सेक्शन।
तो पेज नंबर में हम जाएंगे और यहां से देखिए टॉप ऑफ द पेज अलग अलग प्रकार की स्टाइल दी है, जैसे इस प्रकार की आप स्टाइल ला सकते हैं, लेफ्ट साइड वाली, सेंटर वाली, राइट वाली, या फिर ये पेज लिखा हुआ वाला या राइट वाला, तो आप बहुत सारी स्टाइल यहां पे दी है, तो इनका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, यहां से पेज ला सकते हैं। तो चलिए एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये राइट वाला सेलेक्ट कर लिए, राइट वाला सेलेक्ट कर लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ हर एक पेज में जो है नंबरिंग आपकी बढ़ते हुए नजर आएगी। तो इससे क्या फायदा हुआ, जैसे बुक में होता है कि हर एक पेज में हम नंबरिंग को ऑटोमेटिक अप्लाई कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी हम नंबरिंग ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ सिंपल सी बात है, इंसर्ट में फिर से जाएंगे हम और यहाँ पेज नंबर में जाएंगे, टॉप ऑफ द पेज तो ले लिए, बॉटम में भी हम ले सकते हैं यहाँ से कोई भी। उसके बाद हम यहाँ देखिए फॉर्मेट पेज नंबर में, अभी आपके सामने 1 2 3 4 5 आ रहा है, हम यहाँ से रोमन में ला सकते हैं। ओके करके देखें, ये रोमन में आ गया, देखिए हर पेज में रोमन में प्रदर्शित होगा, ये आप देख सक रहे हैं यहाँ पे रोमन में आ रहा है। उसके बाद जाकर देखिए और रिमूव अगर पेज नंबर करोगे तो रिमूव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, मतलब हमने तीन चीजें इसमें देखे, हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सी, हेडर ऑप्शन का प्रयोग देखे, फुटर ऑप्शन का प्रयोग देखे और पेज नंबर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, अगर नहीं हुआ तो सबसे अच्छा तरीका है आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, और नहीं होता है फिर भी क्लियर तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स जितने भी होते हैं उनको सबको शेयर कर सकते हैं जो जरूरतमंद है पढ़ने के लिए, और उससे क्या होगा उनका फायदा होगा। क्योंकि क्या होता है YouTube में हम बहुत सारी चीजें होती है जो अनावश्यक देख लेते हैं, पर उसकी जगह हम काम की चीजें देखें तो हमारे लिए बहुत ये फायदेमंद होगा, मतलब हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं और इससे क्या होगा हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।